इस टेंथ को सिलेक्ट के बाद हम करते हैं इलेवेंथ को सिलेक्ट। इलेवेंथ को सिलेक्ट हमारा किसके लिए है कि अगर कोई ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है या जो ऑर्बिट है उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है। तो इलेवेंथ को सिलेक्ट क्या हमारा एरिया कवर्ड बाई एंथ ऑर्बिट। अब मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पर ऐसे जो है इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ऐसे मान लेते हैं हम एक सर्कल की फॉर्म में कि ये कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट के अंदर। तो ये जो ऑर्बिट यहाँ पे प्रेजेंट है, सपोज करो ये फर्स्ट ऑर्बिट है या सेकेंड है थर्ड कुछ भी है, तो ये ऑर्बिट जो है यहाँ पे कितना एरिया टोटल जो है कवर कर रहा है। अब हमें पता है जो सर्कल का एरिया होता है वो हमारा कितना होता है पाई आर स्क्वेयर। अब R क्या होता है हमारा रेडियस, ये हम पहले निकाल चुके कितनी वैल्यू आई थी हमारी 0.53 इंटू जेड स्क्वेयर सॉरी एन स्क्वेयर बाई जेड। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दू मैं तो क्या आ जाएगा पाई R का स्क्वेयर, R क्या हमारा 0.53 इंटू एन स्क्वेयर बाई जेड स्क्वेयर। इसको सोल्व कर लेंगे पाई इंटू 0.5 स्क्वेयर इंटू पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी एन फोर अपॉन जेड। अब मैं ये क्या हमारा रेडियस, एक प्रकार से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट की पावर फोर टाइम और जेड का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। क्लियर है? जैसे अगर हम एक न्यूमेरिकल ले लें कि भाई हमें बोल दें व्हाट विल बी द एरिया इफ द एरिया कवर्ड बाई सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, कि हमें वो एरिया निकालना है जो सेकेंड ऑर्बिट ने ऑक्यूपाई किया किसके कंपैरिजन में फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरिजन में कितना ज्यादा एरिया जो है सेकेंड ऑर्बिट ने ऑक्यूपाई किया। तो पहले क्या करेंगे हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, यानी उसको मैं अगर ए वन मान लू तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी एक एक की चार अपॉन में जेड। अब हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए हम इसको लेके चलते हैं तो एक की पावर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए वन कितना आ गया हमारा वन। फिर सेकंड जो है सेकंड को मैं क्या मान लू ए टू मान लू, सेकंड ऑर्बिट है अब एन की पावर फोर है तो दो की पावर फोर हमारा कितना हो गया सिक्सटीन, तो ए टी की वैल्यू कितनी आ गई सिक्सटीन। अगर हम रेशियो निकालेंगे ए टू बाई ए वन की तो क्या होगा सिक्सटीन अपॉन वन, तो रेशो क्या आ गया हमारे एक प्रकार से 16:1। क्लियर है? इसी प्रकार से आप किसके लिए निकाल सकते हो सेकंड और थर्ड ऑर्बिट के लिए, अगर वो पूछ ले सपोज करो सेकंड और थर्ड के लिए पूछ ले, सेकंड तो हमने निकाल लिया थर्ड के लिए बस हमने क्या करना है यहाँ पे 3 raised to the power 4 ये कितना आ जाएगा हमारा 81, तो ये हमारा ए टू है ये ए थ्री है तो रेशो निकाल देंगे इसकी, तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमारा 12th पोस्टुलेट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या निकालेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है या फिर जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की उसकी रेशियो या उसका क्या फॉर्मूला है कैसे उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हमारा 12th पोस्टुलेट रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कोमा काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी निकाल ली हो या फिर अगर हमें उनकी रेशियो निकाल ली, पहले तो हमें पता है भाई कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको याद है, हम सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे क्या होता है हमारा हाफ एम वी स्क्वेयर। अब सपोज कीजिए ये कोई एटम है और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, हालांकि ये थोड़े दूर दूर बनाने थे मैंने पहले वाले में बताया था, मैं इसको इरेज कर लेता ऐसे बना लेते ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ बढ़ेगा न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे अट्रैक्शन क्या होगी इनक्रीज, हमने एक बात पहले पढ़ रखी है भाई उसके लिए एनर्जी क्या होगी डिक्रीज। अगर किसी के केस में
रिपल्सन क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर रिपल्सन बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है? तो इस केस में जो हम अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहे हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए हमने इक्वेशन भी पढ़ रखी है कि भी जो फोर्स होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस। जितना इनके बीच में डिस्टेंस है उसका इनवर्सली ले रहे और उसका स्क्वायर हम कर दे तो वो क्या आ जाएंगे, उसके फोर्स। एक बात और हमने पढ़ रखी है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं क्यू1 और क्यू2 के। मान लिया दो चार्ज बॉडी है हमारी, ये क्यू1 है और ये क्यू2 है, तो एफ क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू1 क्यू2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस। कंबाइन कर देंगे तो एफ क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर। फिर इसको डायरेक्टली का साइन काटने के लिए हम एप्सिलॉन नोट ले लेते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारे, एफ इज इक्वल टू क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर। अब मैं सपोज कर लूं कि जो क्यू1 है उसके ऊपर चार्ज कितना है, ई मान लिया हमने, और जो Q2 है उसके ऊपर टोटल चार्ज है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों का, उसको क्या मान लेते हैं हमें, EZ। ये क्या EZ, हमारा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। तो हमने एक बात पढ़ रखी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, ई स्क्वायर जेड अपॉन आर स्क्वायर। कैसे, Q1 E के बराबर इनटू में Q2 EZ के बराबर। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, अगर आपको ये ध्यान दिया तो इसको ऐसे कर, E into EZ अपॉन R स्क्वायर, E into E क्या हुआ, E स्क्वायर Z, तो ये क्या होगा हमारा, इसके लिए इक्वेशन आ गई। तो एक प्रकार से अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन आ गई हमारी, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर है 1। अब आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ोगे, तो सेंट्री जो फ्यूगल फ्यूगल फोर्स होते हैं हमारे, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होते हैं इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, Ze² / R² और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लिख सकते हैं Me² / R। R से हमारी एक पावर हो जाएगी कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया हमारा, Ze² / R किसके बराबर आ गया हमारा, Mv² ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या ये Mv² जो है एक प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, नेगेटिव ऑफ Mv², तो यहां से क्या ले सकता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 थी हमारी ये वाली, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, E² / Z / R² और इक्वेशन 2 क्या हमारी, Z² / R = Mv². तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी को किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, Mv² के बराबर लिख सकता हूं। अब हम क्या निकाल सकते हैं यहां से, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, ½ Mv², पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या होता है, -Mv². अब आप इसमें से माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, -½ Mv², तो ये क्या आ गया हमारी, इसकी टोटल एनर्जी। तो इस प्रकार से हमारे पास तीनों एनर्जीज आ गई है, टोटल एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। अब इनका हम एक समरी फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है या टोटल एनर्जी है उसका क्या रिलेशन है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिख लेता हूं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, ½ Mv², पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने निकाले -Mv² और टोटल एनर्जी क्या होती है -½ Mv². क्लियर है? इसके लिए एक रिलेशन हो रहा है, अगर हम Za की फॉर्म में लिखे इसको क्या लिख सकते हैं, Z² / 2R,
इसको अगर हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर, और टोटल एनर्जी के लिए हमारा रिलेशन हो जाएगा इसका माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टू आर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, टोटल एनर्जी क्या है माइनस, तो बस हमने इसकी जो एनर्जी है उसका नेगेटिव कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं इनकी रेशियो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार रेशियो पूछ ली जाती है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेज पोटेंशियल एनर्जी। आप काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए, क्या हमारी जेड स्क्वायर अपॉन टू आर अपॉन में, पोटेंशियल एनर्जी क्या हमारी माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर, इसको सोल्व करिए, जेड स्क्वायर अपॉन टू आर इंटू आर ऊपर चला जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, आर से आर, तो क्या आ गया माइनस हाफ। मतलब जब हम रेशियो निकालें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, तो कितनी आएगी माइनस का हाफ। फिर टोटल एनर्जी वर्सेज काइनेटिक एनर्जी, अब टोटल एनर्जी हमारे पास ये है क्या है माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टू आर अपॉन में, काइनेटिक एनर्जी क्या हमारी हाफ, सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन टू आर, इसको सोल्व कर लीजिए माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टू आर, इसको हम पलट लेते ऊपर आ जाएगा टू आर अपॉन में जेड स्क्वायर, इससे ये गया इससे ये गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस एक। मतलब अगर हम टोटल एनर्जी वर्सेज काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालेंगे तो कितनी आएगी माइनस का हाफ। उसके बाद टोटल एनर्जी वर्सेज पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम किसकी रेशियो निकालें टोटल एनर्जी वर्सेज पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमारी ये है माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टू आर, पोटेंशियल एनर्जी हमारी ये है, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, आर ऊपर आ जाएगा माइनस का जेड ही स्क्वायर, आर से आर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का हाफ। तो इस प्रकार से हमारी तीन रेशियो आ गई। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी वर्सेज पोटेंशियल एनर्जी की तो माइनस हाफ, टोटल एनर्जी वर्सेज काइनेटिक एनर्जी की माइनस वन, और टोटल एनर्जी वर्सेज पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो क्या है प्लस से वन बाई टू। तो ये थे भैया हमारे मेन पोस्टलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। लेकिन भाई बोर जो मॉडल ऑफ एटम था वो सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी थी। वो लिमिटेशंस क्या हमारी लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, तो इसके लिए मेनली भी हमारी छह या सात लिमिटेशंस होती हैं। सबसे पहली लिमिटेशन है इट प्रिडिक्ट द ऑर्बिट डिस्क लाइक, इसने क्या माना भाई कि जो ऑर्बिट ऐसे डिस्क लाइक होते हैं, लेकिन बाद में जैसे फर्दर डिस्कवरीज हुई तो उसमें पता चला कि भाई ऑर्बिट की जो शेप है उसको आसानी से पता लगाया नहीं जा सकता, वो डिस्क की शेप में नहीं हो सकती। सेकंड, इट इज ए 2D मॉडल ऑफ एटम, मतलब ये एटम का क्या है एक प्रकार से 2-dimensional मॉडल ऑफ एटम है, मतलब ये 3D को ज़ूम करके नहीं चलता, लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुई पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स नहीं है और वो सभी एक्सिस के अंदर रोटेट करता है। थर्ड, इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये जो है भाई किसके अकॉर्डिंग नहीं है हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फोर्थ हमारा, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल किसको डील करता है मॉडल हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, ये केवल किसको डील करता है ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। फिफ्थ लिमिटेशन हमारी, इट डू नॉट एक्सप्लेन जीमेंस इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। अब क्या थे जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई तो जो स्पेक्ट्रा था वो स्प्लिटिंग शो कर रहा था, मतलब सिंगलेट की बजाय मल्टीप्लेट हमें प्राप्त हो रहे थे, तो वो क्यों प्राप्त हो रहे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई
तब भी वो स्प्लिटिंग शो कर रहा, क्यों शो कर रहा उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया। सिक्स, इट डू नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रा। क्या था फाइन स्पेक्ट्रा? कि भी हमें जो मेन लाइन थी उसके साथ में कुछ और उसके साथ में फाइन लाइंस थी, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और लास्ट है ये, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वेव करंट। ये किसको अज्यूम करके नहीं चलता है? इलेक्ट्रॉन के वेव करंट को अज्यूम करके नहीं चलता है। क्लियर है? तो ये थे हमारे लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।